you know any Chinese? भाई मैं इनकी तरह खेल तो रहता हूँ, आज देखा उस दिन गया था, आज खेल रहा हूँ कुछ दिन बाद। थोड़ा भी कार्ड होना इधर का राइट हैंड का। अरे सच्चो बोलो दो मिनट, इधर क्या रहे आपकी बच्ची आएगी सर? सर जी कोई नहीं, आप बोलते नहीं है, चुपचाप देखते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ आप। अब सब में एनर्जी आ गई क्या बोल रहा है? लॉन्ग विथ, लॉन्ग विथ ये था कि जो फाइबर इंक्रीज होगा ना, जो फाइबर इंक्रीज हो रहा है जब कैपेसिटी 20% इंक्रीज हो रही है, तो इस भी आपको उसने 20% किया, पहले फाइबर जितना इंक्रीज हो रहा है तो समझ गया मैं। तो ये चीज़ कह रहा हूँ, ये जो 100 बटे 112 की है, मैं तो ये कर ही रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि ये छोटे छोटे पार्ट्स निकल रहे हैं ना, इनको भी मैं उसमें डिवाइड कर दे रहा हूँ यूनिट्स में, फिर जो यूनिट आ रहा है उस पर 500 ऐड कर दे रहा हूँ, दैट वो अमाउंट करके इनटू कर दे रहा हूँ। तो इसका क्या किया तूने, ये वाली लाइन का बिजनेस? इस वाले का ऐसा किया, जैसे 8 लाख था, इसको भी मैं यूनिट में कन्वर्ट कर लूँगा। इसमें कितने हो गए? 20,000 यूनिट, 40 यूनिट हो गए। अब 40 यूनिट का 5% कितना है? 2 रुपये। ठीक है, इंक्रीज हो गया बाय 5%, तो एक तरीके से 42 × 24,000 करना चाहिए था, 42 × 24, लेकिन उसने ये बोला था कि अलॉन्ग विथ आई लाइन कर दे, ये रहा अलॉन्ग विथ जो है इसे बाय 12%, तो उस भी हाफ पे 100% कितनी होगी वो निकालना था। तो हमें 100% जो निकल जाएगी ना, तो मेरा 37.5 आएगा सर, 37.5 आएगा वो इंटू हो जाएगा 24,000। ये था मैं लाइन का मतलब नहीं समझेगी, कहना क्या चाह रहा है बस ये बोल लाइन का कि ये जो 5% इंक्रीज होगा ना वेजेस, वो जब हो रहा है जब लेबर की एफिशिएंसी 12% और इंक्रीज हो जा रही है, तो जो 5% इंक्रीज हुआ ना, एक तरीके से 112 की इंक्रीज हुई है, बट हमें 100% में कितना इंक्रीज हो रहा है उससे मतलब होता है, तो इसलिए उसने वो फॉर्मूला बना। लेकिन मैं इसका फॉर्मूला करने जो सर ने बताया था वो करता हूँ। क्या बताया था सर? एक बार अपने लाइन बता दो इसे। अरे वो फिर देख लेना, लाइन तो बता दो तीसरी लाइन, मुझे तो दिख नहीं रहा ना इसमें। अरे ये लो सारे वे बना दो, चौड़ा करो इसे पहले, सत्यम की तरह से मेरे चौड़ा वेजेस 5% से बढ़ गई। ठीक है,
तो वेजेस 5% से बढ़ गई है, बढ़ा दो ठीक है। तो कितने वेजेस पहले थी? पहले थी मान लो 100 थी, 105 नहीं है ये रही कर मैंने, तो 8 लाख थी तो 105 के हिसाब से इन्होंने ले रखे। अगर मैं 100 अलग और 5 अलग निकाल के ऐड करूँ तब भी उतना ही आया ठीक है, तो आ गया 5 का तो निकाल दिया। 105 बटा 100 कर रखा है कितना? पहले 8 लाख थे ना वेजेस? हाँ फिर 8 लाख थे ना। हाँ ऐसा है ना कि वेजेस जो है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? वेजेस बढ़ने का रीज़न होता है कि साल बीत गया इसलिए उसने बढ़ गई। जैसे पिछले साल जो लेबर वेजेस ले रहा था, लॉजिक समझो ना, लॉजिक पकड़ लो। समझ गया, वो पिछले साल के लेबर बढ़ गए इस वजह से लेबर ने रेट बढ़ा दिया अपने, मतलब लेबर हर साल एक ही जैसी वेजेस लेता रहेगा जिंदगी भर, वो भी तो बढ़ाएगा धीरे धीरे, तो उसने 5% बढ़ा दी वेजेस, बढ़ा दी। अच्छा तो इसमें दो तरह से इंक्रीज होगी, एक तो महंगाई की वजह से जो प्राइस राइज हो गए ना, लेबर के प्राइस राइज हो गए, मतलब लेबर के महंगे रेट हो गए। हाँ और दूसरी बात ये है कि यूनिट भी तो बढ़े हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्शन यूनिट बढ़ने की वजह से भी कुछ महंगाई बढ़ी। 120 मैंने ले लिया इधर, लेकिन ये समझ नहीं आया ना इसने जो 100/112 डिवाइडेड बाई 112 क्यों कर रखा है। उसने बोला ऊपर की इंक्रीज, वो यहाँ पे बोलता है इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाई 112%। जो डायरेक्ट लेबर थी ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ी बाई 12%। हाँ लेबर जितना पहले काम करती थी ना, जैसे लेबर पहले 100% काम करती थी। हाँ ठीक है, तो अब लेबर की जो एफिशिएंसी वो 100 की जगह 112 हो गई। तो 112 फोन में इसने किया है कि वो ओवरऑल उसकी 112 हो गई, 100 की जगह वो 112 हो गया है। और हमें ये जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं तो अपॉन में किसे रखते हैं? 100 को, क्योंकि ओवरऑल उसकी 100 की कैपेसिटी होगी, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटी 112 हो गई, इसलिए नीचे अपॉन में रखना पड़ेगा। समझ गया, और ऊपर 100 इसने रखा है, एफिशिएंसी 112% बढ़ी, लेकिन हमें बढ़ाने 5 के हिसाब से निकालना है क्या? हाँ हाँ सी की तरीके ना किसी ने, और ये 120 से गुणा क्यों करिए? 120 तो यूनिट की वजह से, यूनिट बढ़ी ना, यूनिट बढ़ी ना, उसके हिसाब से निकालेंगे ना, क्योंकि यूनिट के हिसाब से लेबर भी बढ़ेगी। ये तो समझ आ गई, 112 इसने कराया कि 100% उसकी जो एफिशिएंसी है ना, पहले से 100 में कन्वर्ट करोगे, नई चीज़ें कन्वर्ट कर, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ 112 क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी 112 हो गई। जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना, सीधा तो एक तरीका याद रखो, जब एफिशिएंसी लेबर की बढ़ जाती है ना तो एफिशिएंसी नेचुरल 100 होती है। अगर एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उसे 100 में तो नहीं ऐड कर देते, अपॉन पर रख देते हैं, और ऊपर 100 इसने रखते हैं कि उसके रिस्पेक्ट चलो 100 की 100 मतलब 100 की कितनी होगी, ये सारी चीज़ें 100 के रिस्पेक्ट में थी। हाँ नहीं ये ऊपर थी, 112 के रिस्पेक्ट में थी ना, अभी तो 112 नीचे लिया, उसने बोला ना कि अलोंग विद 5% बढ़ा और 12% की एफिशिएंसी के साथ, अगर 12% बोलता तो 12 ऊपर करते ना, इसलिए इसने यहाँ पे नीचे करा है। एक काम कर, 100% निकालने का, देखो देखो एक दूसरा भी तरीका था सुनो, ये 100 से 100 काट दो सीधा, तो 105/112 हो गया, 112 से क्योंकि ओवरऑल 112 हो गया, 100 की जगह 112 आ गया है ना, और 105 तो बढ़ रही है, 5% से बढ़ाई है। ओवरऑल एफिशिएंसी 100 होती है ना, लेकिन अब 12 बढ़ गई है तो ओवरऑल अब कितना हो गया? 112, तो अपन 112 रख दो, ऊपर 105 रख दो, बस ऐसे करो 100 कट गया। और सर मैं अगर ऐसा करो तो ये भी सही है ना, इसी कि यूनिट में करके जितना इंक्रीज हो रहा है उसको यूनिट से इंक्रीज करके खत्म कर दो। मैं वही बात आपने वैसे कहा ना, वही कहा ना, उससे भी ठीक, क्योंकि सारे ने फिर 105 110 में 4000 यूनिट से किया होगा। चलो मांडी जी 4000 की तो बढ़त हो रही है, 20 से 24, 4 ये 4000 के बाद आ रहे हैं, किसकी वजह है? मांडी की वजह है, चलो मांडी जी पांडे मैच में पीछे है इस समय, बताओ कैसे? ये 30 बंद है ये वाला, तो क्या हो गया खोल लेगा, तुम्हारे सारे खुल गए हैं, मेरा बंद नहीं है, देखो घोड़ा बंद, घोड़ा कहीं भी निकल जाए तो वो भी आगे निकल सकता है ना,
इस इतनी रेंज में क्या कर लो ना, मत बताओ इसको, बता रहने दे, रहने दो मिनट हो गया बस, फिर टीम टीम खेलेंगे, मजा आएगा। टीम टीम की जरूरत नहीं, कोई एक ही बंदा हरा दे। अरे रैंड दो, तुम रैंड दो, आते हो उसके को हार मुंह पे मारिए। भाई चल जल्दी यार, चल दिया क्या, क्या चला है? ओह गॉड, चल दिया क्या चला था वैसे? इसने चला था, क्या चला था, क्या लगा सर? प्यारा हो रहा है, यहाँ से तो मुझे गेम से मैं जीत के दिखा दूंगा। 10 रुपये ले ले। हाँ 10 रुपये ले लो। बोलो, पिछली बार मेरे को दे रहे थे 10 रुपये, बाकी 10 रुपये निकाल के दे भी दी। सीरियसली यहाँ से मैं खेल के जीत जाऊँगा, बोलो। छोड़ो क्या करना है, दो मिनट काम है, जीतने दो, उसके बाद खेलिए, उसके बाद जी भर के खेल। चुप हो जाओ, दो मिनट से। अगर मैं गेम खेलूंगा ना तो मेरी एक अलग स्ट्रेटस भी होगी और तुम्हारी अलग स्ट्रेटस भी है, समझे? ये बात हूँ ना, ऋषभ की ना शैली खेलने की अलग है, मेरी अलग है। यहाँ से जैसे मैं गेम खेलूंगा ना, ये बिल्कुल अलग गेम होगा। ऋषभ पता है, मैंने सोच लिया फिर तो ये बचेंगे नहीं। क्या तो ये ऋषभ ने दो दिए, मैंने दो हार, ये और ले टेंशन ही मार दो, क्यों मारा जाए उसको, सामने रखा जाए, मार दोगे सामने मत रखना भाई, इसको काट के मुझे चेक मिलेगा सामने अपना टाइम मिलेगा। घोड़ा नाउ डेवलप योर नाइट। कौन सा जोन से का, कौन सा जोन से, कौन सा क्या वाले, वहाँ जाएगा रानी बजेगी, कहाँ बजेगी रानी में, जोन से कौन सा होता है, ये लाऊँ तो रानी बजेगी उसको थोड़ी, इसको कह रहा हूँ मैं भाई। चुप हो जाओ सर, मेरे को जरूरत है, मैं स्ट्रांग ना अकेला काफी हूं। नहीं बिल्कुल रानी के साथ हो जाता ना, 5 का स्ट्रांग हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन से कह रहा, चुप हो जाओ सर, दो बता दो कि मैं तोड़ते हैं, चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो सर, मुंह बंद करो ना, अजीब हो जाए चुप हो जाओ, दो मिनट
अबे गेम खत्म हो रहा है मेरे को पता दिख रहा है चुप हो जा चलो 10 रुपए ले लो फिर दिमाग खराब कर रहे हो उससे पहले इसको मार के चेक इससे कुछ फायदा नहीं चल अबे एक बहुत बड़ी गलती करने वाली है जाएगी फिर तो प्लान ही बना पड़ा है सब का चुप हो जाओ फिर बहुत बोलो मत चुप हो जाओ सर बहुत चुप हो जाओ नहीं छोड़ गेम मेरा पूरा फिर गाड़ी रख दिया सर आपने तो समझ में आ गया पूरा पूरा प्लान नहीं आप देखते हो दिमाग खराब करो तो बोलो मत चुप हो जाओ सर फिर चुप हो जाओ बोलना मत मतलब कानों में सुनने ही नहीं वो सुनने ही लेके भाग रहा है वो सुनना ही नहीं है वो क्या मेरा देखने जा रहा है वो अपने कान लेके भाग रहा है वो सुनना ही नहीं है ये दे दो मजाक नहीं बड़ा पूरा मेरा गेम बना पड़ा है हमसे चलो पांडे जी ये वाला घोड़ा अरे सुन ले बात सुन ये ऊंट रखता हूं यहां क्या होगा तो ये भी सपोर्ट करेगा बच्चा रहेगा तो सिर्फ इसको मारेगा भी इसको मारेगा इधर हाथी घोड़ा दोनों दोनों से एक चीज खा जाएगा ये भी सोचना चाहिए था चारों तरफ से फंसे पड़े हैं लेकिन घोड़ा रख के पछताना मत फिर मेरी बात सुन घोड़ा हम सुन लेंगे और अभी अगर मैं ऊँट वहाँ रखता हूँ तो वो यहाँ पे नहीं आएगा वो यहाँ आएगा फिर वहाँ पर बनने के चांस हैं नहीं है चल उसने चेक दिया इधर आ जाइए घोड़ा है तो मारेगा घोड़ा भी मार पाएगा क्यों नहीं प्यादा क्यों एक चीज़ मिस कर रहे हो तुम बताओ क्या अगर वो प्यादा मारेगा तो पहले वो प्यादा मारेगा सुनो मैं बताऊं एक चीज तुम मिस कर रहे हो अबे तुम एक चीज मिस कर रहे हो ये क्यों देख रहे हो सुनो तुम एक चीज नहीं देख रहे मैं सब देख रहा और मैंने अगर बोल दिया ना मैंने अगर बोल दिया वो इसको मारेगा फिर इसकी सपोर्ट में चेक देगा किसकी सपोर्ट में इसकी सपोर्ट में हां यही बोल रहा था मैं ये चीज मिस करना ये मिस कर क्योंकि क्योंकि फिर मेट ही हो जाएगा उसके बाद तब तो यहाँ बचेगा नहीं हो अगर वो वही देख रहे हैं ना वहाँ पे और वो ये देख रहे कि यहाँ से घूमते रहेंगे बहुत कुछ होगा भी यहाँ पे उसके सारी चीज़ें ना सही जगह बैठा रखी हैं इसने तीन प्यादे मेरे सही जगह बैठे ये प्यादे कुछ नहीं कर पाएंगे इसको यहाँ चल यहाँ के बाद यहाँ चेक दियो इनका चेक बचाऊंगा पहले क्योंकि पैर तो धैर्य हो जाए मैं पता बस चल मैं घोड़ा ही चलूँगा तुझे छोटी बता रहा हूँ जब मैं ऊँट रखता हूँ तो वो यहाँ पे आएंगे ठीक है ऊँट बता रही ये मर जाएगी फिर और जब ऊँट रखूँगा तो ये कैसे मर जाएगी तब बच जाएगा फिर वो प्यादा बढ़ा देगा कौन सा प्यादा हाँ वो वाला प्यादा बढ़ाएगा मैं फिर भी मारूंगा उस प्यादे को फिर पीछे घोड़ा भी तो सपोर्ट में इसकी कोई नहीं रहेंगे सपोर्ट में मैं यहाँ से पूरा गेम संभाल लूंगा बोलो क्या है अकेले कुछ नहीं हो रहा है घोड़े जो घोड़े तो चल रहा है अभी पता चलेगा कुछ नहीं हो रहा अभी ऋषभ बताएगा तुम्हें चुप हो जाओ सर तुम्हें एक बार बताऊं चुप हो जाओ सर बता दो ना यार नहीं बता अरे मजा आएगा थोड़ा गेम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना फिर मजा आएगा देखो
मत बताओ सर। नहीं नहीं रहने दो, हमें सुननी ही सुनना है। अगर ये रानी यहाँ आ गई भाई साहब गेम खत्म है तुम्हारा, सोच लो कैसे। वो तो देखिए सर, वो इसे छोड़ दीजिए। कितने की शर्त लगा लो मुझसे, क्योंकि मैंने पूरा देख लिया आगे तक का। मत बताओ ना क्यों बता रहे हो। ये रानी वहाँ ना आए ये सोचो तुम, बस ऐसा कुछ करोगे वहाँ रानी ना आए। हम तो वहीं लाएंगे उसको, मैं देखता हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तो पहले उसे बचा लो फिर वहीं आ रही है। क्यों बुला रहे हो? सब बचा लूंगा मैं। चुप हो जाओ सर। अरे क्यों रो रहे हो, तुम जीते पड़े हो फिर भी। गेम की बता दे रहे हो सर, पूरा प्लान खराब कर दे रहे हो मेरा। मत बोलो तो पूरा पता लग जाएगा, पूरा प्लान का बता दे रहे हो सर, पूरा पजल सॉल्व करके रख दे रहे हो। पूरी मतलब देख रहे हो, पूरी बुक की तरह खोल के रख दिया इसको। एक चाल बची नहीं इसके अंदर सर, बची है कुछ नहीं बची, सब पता लग गया उसको। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये बोलते नहीं ना सर। एक भी चाल मतलब एक दो चाल पता लगे, एक दो पजल पता होती है उसको। आपकी वजह से पूरी पजल पता लग गई सर उसको, पूरा खुल के रह गया सर ये, पूरा तो पूरा खुल गया। इतना फिर भी तुम्हें जिताऊंगा मैं। फिर मत जाओ, मेरे को जिताना जीतना ही नहीं है, छोड़ो। घोड़ा रख देना है, हमें भी बहुत चाल है। यही तो मुझे पता था कि यहाँ और वहाँ नहीं आनी चाहिए रानी। अब तो सुर तुर क्या कर रहा है? बताओ कहाँ जाओगे? जाएंगे तो कुछ ले आएंगे। तुम्हें ये नहीं पता ये चेक देगा यहाँ के? तुम्हें ये बात पता भी रखी थी कि या तो यहाँ से चेक देगा या वो मारेगा। चुप हो जाओ सर, बताओ मत कुछ भी। ओके कुछ मत बोलो, मैं दो मिनट में गेम सर कह रहा हूँ। चुप हो जाओ। ओके मैं उठ नहीं रख सकता, तू गधा है क्या? नहीं रख सकता। अब क्यों जाते, क्यों इधर आके कार्ड का चेक नहीं मिलता क्या? अगर मैं उधर करता तो कुछ भी, इसको कार्ड था मेरा एक्सटेंड नहीं मर जाता। चल ठीक है मान लिया, नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं होता, हट गया। मतलब चल रहा है पांडे, तू चल रहा है भाई? हाँ जो पांडे थे वो माना जाएगा, ठीक है चल रहा है। चल भाई पांडे तो चलेगा। हाँ ठीक है भाई ठीक है, मुझे लगा तू तो समझा रहा है। लग रहा है भाई कार्टून है वो, तभी तो मैंने कहा कि तो पांडे चलेगा वो माना जाएगा। इधर आ काले पे, उधर मत आने से मुंह मार सकते हो। घोड़े से मार लो, वो मना थोड़ी कर रहा है। घोड़े से नहीं मार सकता ना, क्योंकि ऊपर ले रानी यहाँ ले आएगा ना, तो इससे धैन मार दिया। बगल में रानी आ गई उसके ऊपर। रानी घोड़ा तो सही जगह बैठा हुआ है, घोड़ा तू उसको मत छेड़ो। अरे अब तो हार गए, अब तो हार गए, पीस डाउन हो गया तो हार गए। पीस डाउन होने पर तुम रिसेप्शन ही जीत सकते है ना। सर बोलना मत कुछ, बस दो मिनट। चल मारना खत्म हो गया भाई, घोड़े से मारो। पांडे तेरी चाल है ना। बचाओ पांडे को, घोड़े को। हाँ उस घोड़े को बचा लेता। तुम बोल क्यों गए कि बचा पाऊँ घोड़े को? वो घोड़े पे ध्यान नहीं था उनका, क्यों नहीं था? रिफंड में घोड़ा मिल रहा था। पहले ये बताओ उसका घोड़ा कहाँ बच रहा है, पहले ये बता दो। घोड़ा बच रहा है उसका, बता के दिखा। प्यादा दो कदम बढ़ा के बचा लेगा वो। क्या चीज़? इसी घोड़े को, उस वाले प्यादा को चल के बताना जरूरी था। तुम ही तो कह रहे हो, तो पूछ भी तो रहे हो तुम। ये सही है सर, आपने बता दिया पूरा प्लान। तो तुमने पूछा क्यों फिर? तुम तो कह रहे कैसे बचेगा? सही में मेरी टीम में नहीं हो सकते ये। सही बताया आपने, चलो यही चलते हैं। अबे वाह, बताऊँ क्या करो? वाह, अबे इसे मार दो, इसे एक चीज़ मिल गई एक्स्ट्रा और उस पर टारगेट आ गया। वाह ऐसा चुप हो जाओ, करना भैया तुम्हें कितने के साथ ला लो। मुझे कुछ करने दोगे? मारो ना उसे प्यादे को, क्या सोच रहे हो? प्यादे को मार के फिर इस वाले घोड़े को पिन करना है इस ऊँट से, इस वाले ब्लैक ऊँट से, मजा आ जाएगा भाई। क्या ये बेकारी चल रही है, बाद में निकाल लेना, पहले उसे मार दो। जो चीज़ मिल रही है उसे ले लो ना, जो चीज़ मिलती है ना चाहे वो ले लेनी चाहिए। चल रहे हो ना? चल दिया भाई, मार दे इसे। क्यों मारूं?
घोड़े को टारगेट कर दो, इसे पिन करके टारगेट करते तो ज़्यादा सही रहते, समझ रहे हो? पिन कराने तुमने घोड़ा पहले, दो मिनट चुप रहो, घोड़ा तो जाएगा। किसे मार दे? तो हाथी से मार दियो। क्यों रहा जब आगे का सीन सब समझ आएगा तो करोगे क्या? कर रहे हो? हाँ तुम चेकमेट करने वाले थे वहाँ। मैंने कहा ना कि मैं अलग स्ट्रेटजी खेलता हूँ, सब अलग। मैं बताऊं? दो दो बिशप पेयर हैं, उनका यूज ही नहीं कर रहे हो। तो उधर सफेद पे नीचे यहाँ जाएगा। पहले चेक दो इसे ऊंट से, अपने इसी वाले ऊंट से चेक दो, यहाँ रख के दो चेक दो ना। ऊंट तो हटाना ही है तुम्हें यहाँ से वैसे भी। आज दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा, मैंने देखा जैसे दिमाग चलता है ना वैसा चल नहीं रहा है। काट दो घोड़े, घोड़े को तो प्यादे से पुश करके हटाना है यहाँ से। ऐसे बिशप खराब मत करो उसके लिए। पीछे कर लो थोड़ा सा, बस काले ऊंट से चेक दे दो। क्या करना चाह रहे हो बता तो दो एक बार। एक गलत चाल पे गेम बदल जाता है, ध्यान रखना। इसे क्यों छेड़ रहे हो? इसको बढ़ाते बढ़ाना था तो। नहीं नहीं रुको, तुम मुझे याद है मैं तो मैं जीतूं लेकिन स्टेबल कर लूं।
कर लेगा तो फिर घर जाकर आगे चलेगा ना, नहीं एक सिस्टम में डाल दो है तो आगे देगा यार। आज तुम ऐसा निकल रहे जैसे खेलते हो ना, अग्रेसिव तरीके से निकल रहे, आज तुम डर डर के खेल रहे हो। दूसरा हाथ ही सपोर्ट में रख दे, क्या दिक्कत है? बोले रहने दे, ये पीछे ले आओ उसको, इसको पीछे कहाँ लाएगा, मारेगा नहीं? ठीक है मारेगा तो हमारा वाइट फूट है ना, तो तब तक मार साले को, ये दबा दिला तब मरा नहीं मार पाओगे, मार नहीं पाएंगे कोई नहीं बढ़ाना, ये तो फायदा आगे का तो सही। ऐसे बाहर का पहले ही बढ़ाने हैं उनका तो ये वाली अच्छी लग रही है, और ये वाली अच्छी लग रही है, क्या होगा उसके बाद? पजल ढूंढो इसमें, पजल आप खोल दो बुक की तरह पूरा दिख रही है कुछ पजल, पजल सर्च करो इसमें। अगर ये तो साथ में बैक साइड में ले लो, ये सही किया तुमने, मेरे पास दो चीज मरती मुझे काट डालो या काट देते तो भी मैं काट नहीं, लेकिन ये क्या बैठा है काटने वाले का, चुप हो जाओ सर, फिर प्लान का बेड़ा रखा सर। बिना प्लान के भी जीत जाओगे मैच तो, चुप हो जाओ सर, मुझे पता है जीत जाऊंगा मैं तुम्हें, बिना प्लान के जितवाऊंगा ये मैच। इस प्यादे को काटो, प्यादे को हाथी से पहले मैं सोचता इससे उसको मार दे तो शांति हो। अभी मार दे बेनिफिट है, मैं सोच रहा था कि सोच ही नहीं रहता ये वो आएगा छोटा छोटा स्टेप से बोल ये स्टेप से मारा देता है। अभी कोई चार रेस करनी है तो इस सक्सेस को हम बढ़ा रहे हैं, रेस तो करनी है आगे देखना वो करेगा तभी तो हमारी बन रही है, अभी हम कुछ कर देंगे तो उसकी बन जाएगी। पांडे तुम चल दो जल्दी से, जो मर्जी तुम्हें अच्छा लगे, हम घंटों चल जाते हैं थोड़ा मिलने के बाद। हाँ। मैंने जितनी चाल चली भी थोड़ी जल्दी जल्दी चली है, कोई सी भी चाल उठा लो मेरी, मैंने भी इस तरह से बढ़ा
बढ़ा लेंगे। सोच समझ के चलना, कुछ भी चलना, हाथ ही मार दो इसका। वही तो कह रहा हूँ, मार दो हाथी, मार दो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरा हाथी चेक तो मिलेगा नहीं, दूसरा हाथी फंसेगा। ऊँट कैसे फंस जाएगा भाई तुम्हें? क्या रखते, मेरा ऊँट जाएगा। क्या रखते? नहीं क्या रखेगा ये? बच गया बल्कि हमारी घोड़ा भी तो है तुम्हारा, हमारी और बचेगी, कुछ कर भी नहीं पाएंगे इसका। अरे तुम इसे मारो ना यार। रुको सर, कुछ और सोचो, मैं इसको यहाँ रखूँ फिर क्या होगा? घोड़ा भगवान तो है, कोई फायदा नहीं, घोड़ा उसका प्रोटेक्ट है, उधर चला जाएगा तब भी प्रोटेक्ट है, घोड़े से मरेगा नहीं तो, ऊँट भी तो है उधर, तो क्या होगा, कोई फायदा थोड़ी। चार्ली सर जी सही बता रहे हो, पहले सर भी ये बता रहे थे, वो पहले बता रहा था मैं, मैंने कुछ नया सोचा। मेरा घोड़ा फंसा हुआ है। अबे क्या कर रहे हो, पागल हो गए? इसे मारो ना यार, यार रख दो ना, फिर मार दूंगा। अबे फिर एक हाथी हटते ही साथ उससे चेक नहीं हो जाएगा, डिस्कवर चेक, तो फिर ये नहीं है इसका इधर। अबे काम खराब हो जाएगा उससे, कह रहे थे मार के कलेश क्यों नहीं खत्म करते हो? इससे कुछ नहीं होने वाला, एक चेक दे के अपन आपको, तुम वो मत समझो कि बहुत बढ़िया काम हो गया। हाथी तो काट नहीं है तुम्हें यार, 100% काट दो, हाथी काट दो, हाथी काट दो, ऊँट फिर हो जाएगा, इधर उधर आ जाएगा ऊँट तुम्हारा, फिर ऐसे बजाया, इससे बेस्ट चाल नहीं, नहीं वो बाद में कर लेना, वो चीज़ बाद में कर लेना, पता है दिक्कत क्या है, वहाँ रखते ही ना ये घोड़ा या करेंची बना देगा दोनों हाथी, दोनों हाथी में करेंची बन जाएगी। नहीं किससे काटो, अच्छा उससे नंबर वन भाई, एक बंदा नहीं मानो, चलो एक बंदा नंबर वन पचास आ जाएगा, हाथी पकड़ में, इससे तुम्हारे दो चीज़ जा रही है, लेकिन कौन और एक वो, कौन और एक वो, हाथी काट दिया उन्होंने, घोड़े से इसको मारते पहले, वो ऊँट से बजाएगा, बजान तो हाथी से मार, हाथी से मार देना, एक चीज़ मार के दो चीज़ मिलनी है, और क्या चीज़ रखो। तो फिर हाथी से मार देना ना, क्या कर रहे हो सर, दिख गया था पूरे प्लान की, बड़ा कर देते सर, अरे क्या है सर, उन्हें भी दिख रहा नहीं, दिख रहा था उन्हें, नवीन की चाल दिख रही थी, इतनी बढ़िया नवीन की चाल, ये मसूद क्या कुछ दिख रहा है, सब दिखता, वो गलती से हम ये चल देते हैं, वो नवीन गया था, नवीन चल तो रहा था, मेरे भाई से भी खेलता ना, मेरे भाई से भी खेलता ना, वो भी देख लेता, मैं तो यार मेरी चाल बेकार कर दिया सर ने, फालतू में, अरे कुछ नहीं हो रहा यार, ये प्यादा इसे मारना है तो हटाओ ना, तब मजा आएगा, घोड़े को हटाना, अपने घोड़े को हटाना, फिर घोड़ा में वो आईने मारना उसको, चारे को मैं कहता रहता हूँ अटैक तो करते, फिर देख घोड़ा क्या, तुम्हारा प्लान तो यही था वैसे, क्या यही जो मैंने बताया, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है इस प्लान में, जैसे हाथी को मार देते ना पहले, फिर आते क्योंकि वो दिख जाए, वो मुझे भी पता है, कहाँ तू करना क्या चाह रहा है, एक चीज बताऊं तुम्हें, लेकिन तू यहां कुछ और भगवा रहा है, बेड़ा कट करा दो, भी बाकी इधर देख लेंगे हम, तो मार डाल, एक चीज बताऊं तुम्हें, एक चीज, अरे चुप हो जा, लगे अगर तो रख ना, ये पक्का कुछ ना कुछ और चलता ही चलता होते फंसता है, नहीं मैं बताता हूं क्या रखते हैं, एक चीज पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, चुप हो जाओ सर, हमारे सब पे ध्यान है, आई नो, फिर बता दे, कैसी मेरी टीम हो, किसकी टीम पे हो, उससे क्या होगा,
और भी है अभी कुछ और भी बनना है। अरे कुछ नहीं बनना, मार मार कर खाती को मार मार दे ले, क्या करेंगे। चल भाई ले लवास। ओए बाबा अब इसको बड़ा दो कदम। नहीं नहीं अभी बहुत बहुत पांडे जो चले वो माना जाएगा। चल दिया पांडे ने चेक। अबे ऊंट वहां होता तब करते ये चेक। मेट हो गया, बुरा लग रहा है। मेट ही हो जाता ना फिर, है ना, ऊँट हटाने से। हाथी तो चलो आ गया, इधर नहीं आ सकता, घोड़ा है बीच में आ सकता है बस। हाथी चलो रिजाइन दो, छोड़ो 3 वर्ष से एक है आप। रिजाइन ले वगैरह ढंग रास्ता मना कर रहा हूँ।